हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम। डियर फ्रेंड्स, फिगर्स ऑफ स्पीच के सीरीज में आज हम लोग दो फिगर्स ऑफ स्पीच क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स के बारे में समझेंगे। क्लाइमेक्स क्या होता है? व्हेन द आइडियाज आर प्रेजेंटेड इन एन असेंडिंग ऑर्डर, इट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। दोस्तों, जब किसी आइडिया को, किसी विचार को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं उसको, तो उसे हम लोग क्लाइमेक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस। मेरे पास न ही रेस्ट है, न ही जॉय है और न ही पीस है। तो यहाँ आइडिया जो है असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में इसको दिखाया गया है। पहले रेस्ट को दिखाया गया, फिर जॉय को दिखाया गया, फिर उसके बाद पीस को दिखाया गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही केम ही सॉ ही कनकर्ड। वह आया, वह देखा और उसने जीता। पहले आया, फिर देखा और फिर जीता। आई केम आई सॉ आई कनकर्ड, ये जूलियस सीजर का फेमस लाइन है, उसी को यह रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि आइडिया को यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया है। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सैंस टीथ, जिसको हम लोग सैंस को सा पढ़ते हैं। सा मीन्स विदाउट, सा टीथ, सा आईज, सा टेस्ट, सा एवरीथिंग। यह विलियम शेक्सपियर के सेवन एजेज से लिया गया है लाइन, जो इसमें बताता है कि विदाउट टीथ, विदाउट आईज, विदाउट टेस्ट और विदाउट एवरीथिंग। सा मीन्स विदाउट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आइडियाज को जो है वो बढ़ते क्रम में इसको दिखाया गया है, तो इसी बढ़ते हुए क्रम को हम लोग कहते हैं क्लाइमेक्स। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं जो एंटी क्लाइमेक्स है। इसे बेथोस के नाम से भी जाना जाता है, एंटी क्लाइमेक्स और बेथोस। ये जस्ट जो है क्लाइमेक्स का अपोजिट होता है। क्लाइमेक्स में हम लोग आइडियाज को बढ़ते हुए क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में दिखाते थे, और एंटी क्लाइमेक्स या बेथोस में आइडियाज को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएंगे यानी कि घटते हुए क्रम में। व्हेन द आइडियाज आर प्रेजेंटेड इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, इट इज कॉल्ड एंटी क्लाइमेक्स। पोप वॉज पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच। पोप यानी कि अलेक्जेंडर पोप ने इस फिगर ऑफ स्पीच का बहुत बार यूज किया है, वो इसके शौकीन थे। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ही लॉस्ट हिज फैमिली हिज कार एंड हिज सेलफोन। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं, ही लॉस्ट हिज फैमिली, सबसे बड़ा फैमिली है, उससे छोटा कार है और उससे छोटा सेलफोन है। तो यहाँ पे आइडियाज को घटते हुए क्रम में दिखाया गया, फैमिली सबसे बड़ा, उससे छोटा कार और उससे छोटा सेलफोन। और इसी चीज को वहां पर हम लोग बढ़ते हुए क्रम में देख रहे थे क्लाइमेक्स में। सेकेंड एग्जाम्पल है, सी इज अ ग्रेट राइटर ए मदर एंड ए गुड ह्यूमरिस्ट। यहाँ सबसे पहले एक राइटर है, उसके बाद एक माँ है और उसके बाद एक ह्यूमरिस्ट है, यानी कि यहाँ पे आइडियाज को हम लोग घटते हुए क्रम में दिखाई इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार आइडियाज को हम लोग घटते हुए क्रम में दिखाएंगे तो ये एंटी क्लाइमेक्स होगा, और एंटी क्लाइमेक्स का सेकेंड नेम बेथोस भी होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि एंटी क्लाइमेक्स इज नोन एज, फोर ऑप्शन रहेंगे, तो फ्रेंड्स आप बेथोस पे टिक लगाएंगे, बेथोस को बताएंगे कि ये एंटी क्लाइमेक्स का दूसरा नेम ये भी होता है। तो हम लोग फ्रेंड्स दो फिगर ऑफ स्पीच आज पढ़े, क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और सारे वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, खुश रहो, आबाद रहो, किसी की जान तो किसी की फरियाद रहो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।